देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पर इतने पैसे नहीं है यार। भाई साहब कल क्या हुआ भाई, इतना घंटा क्यों लगा रहा है कमरे में? अबे यार भाई यार चुप। अरे फ्रैंकल भी आप मेरे को ये नहीं सुनना कि आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। अबे यार फिर मैं बता क्या करूँ यार, इतने दिन हो गए हमने तो कोई भाई साहब यहाँ पर कुछ किया ही नहीं पैसों के रिलेटेड। भाई ना हमने कोई चोरी की, ना हमने कोई सुपर कार भाई साहब चोरी की, ना हमने मतलब पैसों के मामले में हमने कुछ नहीं किया। तो भाई साहब कल अब तू भाई साहब नई गाड़ी लेने नहीं जा रहा? अबे यार पैसे नहीं है तो मैं कैसे भाई, वो भी एक सुपर कार। गाइस ये दोनों भाई मुझे लैम्बोर्गिनी लेने के लिए कह रहे हैं आज, और भाई मेरे पास पैसे भाई अपनी गाड़ी रिपेयर कराने जितने हैं। अरे यार फ्रैंकल भैया क्या फायदा है यार आपका, ये घर ही बेच दो ना, गाड़ी लेकर चलते हैं। हाँ फिर गाड़ी की छत पे रह लेंगे। ये आइडिया मस्त है कलुए, इसके बारे में सोचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल भाई इसके बारे में सोचा जा सकता है। यार गाइज यहाँ पर ये दोनों भाई क्या बकवास वाली बातें कर रहे हैं यार मेरे साथ। देखो गाइज यहाँ पर अगर सोचा जाए ना भाई, तो यार जो पैसे हैं भाई वो गाइज यहाँ पर लॉस सैंटोस में आती जाती चीज है, मतलब भाई एक सेकंड में बहुत हो जाते हैं एंड एक सेकंड में सबके सब उड़ जाते हैं। बिकॉज अगर आप देखो तो एक सुपर कार लेने के बाद ही आप सभी लोग सोचो कितना पैसा भाई साहब यहाँ पर जाता है। तो कलुए अब तू मुद्दे की बात कर, तू क्या करने वाला है? मैं तो सोच रहा हूँ भाई यहाँ पर गाइज आज हमें पैसों का बंदोबस्त करना चाहिए, बिकॉज बहुत दिन हो गए पैसों का भाई साहब कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। एक बैग से भाई मैं क्या करूंगा भाई, 40-50 हजार डॉलर भाई क्या ही कर लूंगा उससे। अरे इतनी की तो मैं चड्डी डाल लेता हूँ फ्रैंकल भैया, कोई ज्यादा पैसे वैसे नहीं है क्या आपके पास? इतनी है? हाँ भाई इतनी है। तो यार कलुए तू मेरी बात सुन। हाँ बता भाई। मेरे हिसाब से भाई अब तेरे को भाई साहब आज पैसों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। हाँ यार गाइज आप भी चाहते हो कि आज हम पैसों का बंदोबस्त करें, भाई करना तो पड़ेगा देखो। अरे गाइज यार हमें इतने पैसे नहीं चाहिए यार, बस थोड़े करोड़ रुपए हो तो बहुत है। थोड़े 2 करोड़ रुपए हो भाई बहुत है। गाइज आप सभी लोग बताओ यार, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कितने पैसे चाहिए जिससे आप खुश हो जाओगे, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। देखते हैं भाई आप लोग कितने ज्यादा मतलब पैसों की डिमांड करते हो। नहीं भाई साहब, हाँ गाइस बताओ कितने पैसे देगा आप खुश हो जाओगे? अरे पक्की बात है यार, कोई 1 करोड़ लिखेगा, कोई 1 लाख लिखेगा। अबे 1 लाख तो कोई नहीं लिखेगा। और भाई साहब देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ गाइस जल्दी से लिखो यार, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया या फिर नहीं हमें? गाइस पुरु गेमिंग ऑफिशियल भाई आपको साइड में दिख रहा होगा, भाई जल्दी से फॉलो करो भाई को, वहाँ पर आपको वीडियो की अपडेट्स पहले मिल जाएंगी। मतलब हम जो वीडियो डालने वाले ना हम पहले बता देते हैं वहाँ पे क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। क्यों बे? अरे हाँ फ्रैंकल भैया क्या क्या चल रहा है यार हम पे जब हम वीडियो नहीं बना रहे, वो सब यार हमारे इंस्टाग्राम पे आता है। देखा गाइस अब आपको भाई फॉलो करना पड़ेगा ताकि नई नई स्टोरीज आपको दिखती रहे। तो भाई साहब चलो गाइस फॉलो कर लिया है तो पैसों का बंदोबस्त किया जाए। बिल्कुल यार गाइस चलो यहाँ पर पैसों का बंदोबस्त तो करेंगे, बट गाइस यहाँ पर आपको पता ही है हमेशा की तरह अगर भाई हमें भाई साहब यहाँ पर पैसे चोरी करनी है तो सबसे पहले पैसे रखने के लिए जगह चाहिए ना। तो देखो भाई उसके लिए तो गाइस घर पे एक सेफ बनवाना ही होगा। अरे क्या सेफ? हाँ भाई और क्या, तू पैसे भाई खुले में रखेगा? भाई साहब क्या हुआ, कमरे में रख देंगे? अबे भाई ये लॉस सैंटोस है, बंद तिजोरियां चोरी हो जाती हैं, तू भाई साहब कमरे में खुले में पैसे रखने की बात कर रहा है। भाई साहब तो कलुए तू क्या करने वाला है? मैं गाइस यहाँ पर जग्गू मिस्त्री की हेल्प लेकर भाई एक सेफ बनवाई लेता हूँ अपने लिए, अंडरग्राउंड सा भाई साहब तगड़ा सा गाइस, जो कि हम ही खोल पाए, जिसके साथ गाइस फायदा ये होगा कि हम लोग उसमें अपने पैसे रख पाएंगे सेफली। अरे धूप में आते हैं जो मजे, वो तो कहीं नहीं आते, लोग हैं चले जाते अपनी छाप छोड़ जाते। अरे यार ये फ्रैंकलिन दो सेकंड के बाद कॉल कर देता यार। अबे ओ फ्रैंकलिन अब क्या दिक्कत है तेरे को? अबे भाई साहब जग्गू मिस्त्री गाइस यहाँ पर लगता है भाई घर पे भी आ गए। अरे आ गया मैं, बताओ भाई तुमको क्या चाहिए? अरे यार एक एक सेकंड में कॉल कर देते हो यार तुम लोग भी। अबे भाई साहब इतनी फास्ट? अरे इतनी फास्ट डिलीवरी तो हमारे पिज्जा की नहीं होती जितनी जल्दी जग्गू मिस्त्री की हो जाती है। और भाई कैसा है बे? अरे मैं तो बढ़िया, तू बता। मैं भी बढ़िया। और कुत्ता जी आप? भाई साहब मैं हमेशा के लिए मस्त, तो बस कुत्ता जी ना बोला कर, थोड़ी इज्जत वाली फील आती है ना तो भाई मैं हवा में आ जाता हूँ। अरे तू चल जमीन में रह। और बताओ फ्रैंकलिन क्या चाहिए बे तेरे को? अबे यार जग्गू मिस्त्री हम ना कुछ पैसा लेकर आने वाले हैं, तो हमें ना उसको स्टोर करने के लिए तगड़ा सा भाई बंकर या फिर आप तू भाई सब सेफ सा बना दे जिसके अंदर अपने पैसे स्टोर कर पाए, जो कोई खोल ना पाए, बस ये बात का ध्यान रखना। अरे यार अब तुम लोगों को सेफ चाहिए? हाँ भाई तगड़ा सा चाहिए। चल ठीक है भाई बन जाएगा, पेमेंट यार हमेशा की तरह टाइम पे कर देगा ना। अबे कभी तेरी पेमेंट मारी है क्या मैंने? भाई साहब इसने भाई कभी किसी के पैसे नहीं मारे, लूटे बहुत है पर। अरे हाँ जग्गू मिस्त्री आप फिक्र मत करो यार, पैसा आपको टाइम पे मिल जाएगा, बस आप यार एक तगड़ा सा सेफ बना दो ताकि हमारा पैसा कोई भी वहाँ से चोरी ना कर पाए। अरे फिक्र मत कर, ऐसे बंदे बुलाऊंगा अपने जो कि तगड़ा बनाएंगे बिल्कुल। तू ऐसा काम कर फिर, तू पैसा लेकर आ जल्दी से, मैं रेडी करवाता हूँ। कहाँ पर बनवाना ये बता? अबे जहाँ पर सही लगे ना, इस बार भाई साहब गाइस हम जग्गू मिस्त्री को ऑप्शन दे रहे हैं भाई, जहाँ पर सही लगे बना दे बस भाई,
थोड़ा सीक्रेट सा होना चाहिए जिसके अंदर भाई हर कोई ना भाई उसको खोल पाए। अरे पास कोड लगा देंगे, तू फिक्र क्यों कर रहा है यार, मैं करता हूँ फिर बंदों को फोन, तू जल्दी से अपना पैसा वैसा लेकर आ, हमेशा की तरह शाम तक रेडी। मैं भाई साहब ये जग्गू मिस्त्री की जो फास्ट डिलीवरी वाला प्रोसेस है ना, ये मेरे को भाई साहब बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसे ही है गाइस, यहाँ पर चलो भाई जग्गू मिस्त्री मान गया है भाई साहब, मतलब गाइस अब हमारा तगड़ा सा सेफ बन जाएगा घर पे, जिसके अंदर हम अपने पैसे रख पाएंगे सेफली एंड उसके अंदर कोई घुस भी नहीं पाएगा। बिल्कुल यार गाइस, तो चलो भाई पैसे रखने का बंदोबस्त हो गया, अब भाई साहब मेन पैसे का बंदोबस्त करना है। बिल्कुल यार गाइस, अब पैसे रखने का तो हो गया, तो पैसे भाई होने भी तो चाहिए रखने के लिए, जो कि गाइस अब हम भाई साहब यहाँ पर जाएंगे। ओ भाई साहब, ये जग्गू मिस्त्री किस में बैठ कर आया है? अरे यार फ्रैंकलिन भैया, इसका टायर तो मेरे से भी बड़ा है। अबे हाँ गाइस, बात तो सही है भाई, देखो तो कितना बड़ा टायर है। भाई साहब चल वे कल, मैं तो बैठ गया, तू कब जा रहा है? आजा चलते हैं भाई साहब। गाइस फिक्र तो ऐसे कर रहा है, चल शिनचैन जल्दी से बैठ। अरे फ्रैंकलिन भैया हम जा कहाँ पर है ये भी तो बता दो। हम जा रहे हैं भाई साहब गाइस यहाँ पर चोरी करने। वो तो मेरे को भी पता है भाई साहब, किस चीज की चोरी? देखो गाइस यहाँ पर जो पैसे कमाने के तरीके है ना लॉस एंजेलिस में, वो अनगिनत है। अरे आप कैसे पैसे कमाओगे बस वो बताओ। देखो गाइस, एक तो तरीका है कि हम गाइस यहाँ पर एक महंगी सी सुपर कार चोरी कर उसको बेच सकते हैं। और भाई साहब दूसरा तरीका गाइस, हम बैंक लूट सकते हैं। और भाई साहब तीसरा गाइस, हम कोई ज्वेलरी शॉप भाई साहब यहाँ पर लूट सकते हैं। और चौथा भाई साहब, और गाइस हम जॉब को बेच सकते हैं। और भाई एक सेकंड में क्या? अबे यार गाइस, मतलब यार ऑप्शंस बहुत ज्यादा है यार, मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है, वो तो डिपेंड है भाई हम पे, हम कौन सा यहाँ पर चूज करते हैं। तो देखो गाइस, मैं तो कहता हूँ भाई अगर हमें तगड़ा पैसा कमाना है ना, तो भाई दो तीन चीजें भाई साहब यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। अरे मतलब आप शाम तक ढेर सारा पैसा कमाने वाले हो? बिल्कुल यार गाइस, अब पैसा कमाने के लिए हमें जो मर्जी करना पड़ जाए वो हम करेंगे। तो चलो गाइस, यहाँ पर पैसा कमाने के लिए जो हमारा बेस्ट बंदा है ट्रेवर, मैं उसको कॉल करता हूँ। एंड भाई साहब यहाँ पर ट्रेवर से गाइस यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ कि भाई उसके पास कोई जॉब है हमारे लिए पैसे कमाने के लिए, क्योंकि भाई उसके पास बहुत ऊटपटांग सी जॉब्स होती हैं। मैं गाइस यहाँ पर उसे जॉब लेता हूँ भाई साहब, और पूछता हूँ भाई ये इसका क्या कहना है, उसके बाद चलो चूज करते हैं गाइस हमने किन किन तरीकों से आज पैसा कमाना है। अरे हाँ सही है, लगे रहो ठीक है ना, थोड़ी देर में कर देना, ये हमारा पुराना कस्टमर है तो इसको नाराज नहीं करना। अरे बस बिल्कुल सही काम हो रहा है, फिक्र मत कीजिए, आप बताइए बस थोड़ा सामान लेकर आना है। अरे सामान मैं ले आता हूँ, फिक्र मत करो, बताओ जल्दी से लिखवाओ मेरे को क्या क्या लेकर आना है, मैं जल्दी से सारा सामान ले आता हूँ, बिल्कुल तगड़ा बनाना है। और हाँ जो डोर लगना है उसके बारे में बता दो थोड़ा सा, मैं बढ़िया वाला लेकर आऊंगा पूरा। अरे बस ये मैं आपको नंबर देता हूँ। अरे दे दे जल्दी दे, बता कौन सा बेस्ट रहेगा। ओके तो गाइस वेलकम बैक। अरे आगे देखकर चला लो यार। अबे देखकर ही चला रहा हूँ। तो यार गाइस यहाँ पर ट्रैवर से हमारी बात हो चुकी है, एंड गाइस यहाँ पर ट्रैवर ने हमें दो यहाँ पर तरीके बता दिए हैं जो कि हम आज करने वाले हैं। सबसे पहला भाई साहब गाइस, ट्रैवर ने हमें एक गैंग के बारे में बताया लॉस सैंटोस की, जिन्होंने गाइस अपना लूटा हुआ पैसा एक जगह में रखा हुआ है, एंड उस जगह में जाकर गाइस हम आज लुटेरों से पैसा लूटने वाले हैं। भाई साहब लुटेरों से पैसा लूटेंगे? बे कलुए तेरे को ये अच्छा आइडिया लगता है? अबे हाँ भाई गाइस, लुटेरों से तो पैसा लूटना चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया वो आपको लूट लेंगे यार, वो इतने ज्यादा तगड़े होते हैं मैंने सुना है। अबे यार गाइस, यहाँ पर ट्रैवर ने कहा है कि भाई हमें बैकअप लेकर जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बंदे होंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर लड़ाई हो सकती है तगड़े वाली, एंड इस लड़ाई में भाई साहब यहाँ पर उनके साथ हमारा अकेले का फाइट करना मुश्किल है। तो मैं गाइस यहाँ पर, अरे हाँ आप यहाँ पर, अपने कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर जाने वाला हूँ। भाई साहब बॉडीगार्ड्स? बिल्कुल यार गाइस, यहाँ पर यार ट्रेवर ने गाइस हमें कुछ पैसों के, मतलब भाई जैसे आपको पता है मेरे पास 50,000 थे, तो मैंने 20,000 गाइस ट्रेवर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, और उसने हमारे लिए भाई लिमोजिन में कुछ बंदे भेजने हैं, जो कि गाइस यहाँ पर वो जल्दी भेज देगा जैसे ही हम यहाँ पर उस लोकेशन में पहुंच जाएंगे। और भाई साहब वो बंदे हमारी हेल्प करने वाले हैं? हाँ गाइस, यहाँ पर कह तो यही रहा है ट्रेवर, तो देखते हैं भाई वो लोग हमारी कैसे हेल्प करते हैं। तो गाइस यहाँ पर चलो बॉडीगार्ड्स तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल मदद कर देंगे, बट उसी के साथ साथ गाइस हमें वहां से पैसा लूट कर वापिस आना पड़ेगा, जो कि गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो गाइस हाँ बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान से काम लेना पड़ेगा भाई, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज गाइस जो हमें ट्रेवर ने बताई है वो ये है कि भाई ट्रेवर ने गाइस हमें एक बहुत ही तगड़ी सुपर कार की लोकेशन बताई है, जो कि गाइस हम चोरी कर सकते हैं, एंड उसके बाद उसको सेल कर पैसा कमा सकते हैं। मतलब भाई हमारा गाइस यहाँ पर 3-4 महीने का काम हो जाएगा इससे। अरे उसके बाद चलो और लूट लेंगे यार, हमें कौन सी शर्म है। ये हुई ना बात शिनचैन, अब तू मेरे वाली बातें कर रहा है। तो हाँ यार गाइस, उसके बाद और लूट लेंगे भाई, हमको कौन सी शर्म है। तो चलो ये दो टास्क गाइस आज हम कंप्लीट करेंगे, एंड गाइस शाम तक गाइस हमारा वो बंकर भी बन जाएगा जिसके अंदर हम अपने पैसे स्टोर करने वाले हैं। और भाई साहब तू अपनी ड्राइविंग का भी इम्प्रूव कर रहा है,
अरे वो सोच लेंगे। तो गाइज यहाँ पर चलो मैं उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पर गाइज वो गुंडे अपना पैसा स्टोर करते हैं। देखते हैं भाई ट्रेवर ने जहाँ पर गाइज वो गुंडे अपना पैसा स्टोर करते हैं गाइज, देखते हैं ट्रेवर ने हमारे लिए कैसे गुंडे भेजे हैं भाई साहब, क्या काम वो करते हैं। एंड गाइज हम देखते हैं ट्रेवर ने हमारे लिए कौन से बॉडीगार्ड्स भेजे हैं जो कि गाइज आज हमारी हेल्प करने वाले हैं इस फाइट में। तो चलो भाई साहब जल्दी से चलते हैं। आप सभी लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा तो फिर अरे वीडियो को लाइक मार दो जल्दी से यार, कुछ नहीं जाता गाइज यार, लाइक मार दो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब मारो अभी क्या अभी जल्दी से यार, कर दो। हाँ गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गाइस हम जल्दी से चलते हैं भाई। हाँ गाइस ये दोनों काम आप जल्दी से कर दो एंड गाइस हम जल्दी से चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया शहर छोड़ के जाने का इरादा है क्या आपका? अरे नहीं भाई ट्रेवर ने गाइस जो लोकेशन भेजी है भाई इतना दूर है भाई मेरे को अब पता लगा है। भाई साहब तेरे को लोकेशन देखनी नहीं आती फिर? अबे नहीं गाइज यहाँ पर उसने यही वाली फैक्ट्री की फोटो एंड लोकेशन भेजी है एंड गाइज यहाँ पर यही है। तो गाइज यहाँ पर ट्रेवर का कहना है कि भाई इस फैक्ट्री में गाइज ये लोग अपनी जो भाई यहाँ पर थोड़े लूटे वूटे पैसे होते हैं वो गाइज ऊपर भाई साहब यहाँ पर टॉप पे छिपाते नहीं है, मतलब रख देते हैं सीधा एंड गाइज वहाँ से हेलीकॉप्टर आते हैं वो पैसा ले जाते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या 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 कह क्या रहे हो? अबे गाइज अब ट्रेवर का आपको पता ही है भाई, ट्रेवर गाइज ऐसी बातें करता है। अब गाइज यहाँ पर ट्रेवर की बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, बट गाइज ट्रेवर का यही कहना है कि भाई यहाँ पर कहीं ये ऐसे गाइज टॉप में पैसे रख देते हैं एंड मतलब भाई वहां से गाइज जो हेलीकॉप्टर होता है वो उठाकर ले जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग ये देख सकते हो भाई यहाँ पर गाइज कुछ पैसे पड़े हैं भाई, ये देखो ये पैसों का गाइज यहाँ पर कुछ पड़ा है, ये देखो इसमें कितना पैसा पड़ा है। ये गाइज यहाँ पर यहाँ से गाइज हेलीकॉप्टर आते हैं एंड ले जाते हैं भाई ये लोग ऐसे खुले में पैसा छोड़ देते हैं। बट अगर आपको लग रहा है ना कि भाई हमें वहां तक पहुंचना है सिर्फ और सिर्फ पैसा उठाने के लिए तो गाइज आप गलत हो। अगर मैं आपको दिखाऊं जो कि ड्राइवर ने अगर बोला है तो सच है। हाँ गाइज ये देखो एक भाई साहब यहाँ पर ये खड़ा है एंड गाइज ऐसे एक नहीं ऐसे सब लोग हैं भाई साहब, यहाँ पर कोई भी गोली चला देता है मतलब यहाँ का गाइज कोई भरोसा नहीं है। देखो भाई वहां पर भी बंदे खड़े हैं एंड वो एक बंदा खड़ा है एंड मतलब गाइज यहाँ पर बंदे बहुत ज्यादा हैं। अरे तो फ्रैंकलिन भैया हमारे यार जो सपोर्ट करने के लिए आने वाले थे वो कहाँ हैं? हमें वो अभी तक नहीं आया भाई साहब, पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे फ्रैंकलिन भैया तो चलो यार फिर देरी किस बात की, जल्द से कब्जा करते हैं। अबे कब्जा फैक्ट्री पे नहीं करना, कब्जा थोड़ी करना है भाई साहब यहाँ पर। ये क्या है ये कौन है भाई साहब तुम सबकी? अरे फ्रैंकलिन सर आपकी सेफ्टी के लिए। ओके तो गाइज ये हैं बंदे जो हमारे लिए ड्राइवर ने भेजे हैं भाई साहब, अबे गन अंदर डालो सभी के सभी अपनी। तो गाइज यहाँ पर भाई साहब लोग आ चुके हैं भाई, ये कैसे आए हैं गाइज ये थोड़ी अच्छा वो देखो गाइज लिमोजिन खड़ी। अबे भाई साहब ये गाइज कब आ गए? अरे फ्रैंकलिन भाई ये तो दबे पांव आ गए। गाइज ये ड्राइवर ने बंदे भेजे हैं भाई, इन पे भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं ये मुझे नहीं पता, आजमा कर देखिए सर। बस आजमा कर ही देखूंगा भाई साहब। तो फिर गाइज अब तो भाई साहब कल हुए 1 2 3 4 5 6 भाई साहब तुम लोग 6 हो गए हो, अब तो भाई साहब पैसा लेकर आओ। अबे भाई ये कह रहा आसान होता है, तो चलो भाई साहब गाइस सिंचर और जॉब तुम दोनों यहाँ पर खड़ो, मैं इनके साथ जाकर जल्दी से अंदर। वो गाइस यहाँ पर पैसे पड़े दिखने क्या तुम सबको? वो देखो वहां पर कहाँ गए, देख रहा था गाइस मैं थोड़ी देर पहले। वो देखो वहां पर हमको जाना है, तुमने मेरी मदद करनी है वहां पर जाने के लिए। ओके सर। तो चलो गाइस यहाँ पर देखते हैं भाई ये लोग कैसे हमारी मदद करते हैं। अरे चलो फ्रैंकलिन भाई ऑल द बेस्ट यार, आराम से आना। ओ भाई साहब आराम से आऊंगा। तो यार गाइस चलो भाई अब तो गाइस हमारे साथ बॉडीगार्ड्स भी हैं तो हमें इतनी दिक्कत की जरूरत नहीं है भाई, पता नहीं गाइस मैं इन पे भरोसा कर सकता हूँ या फिर नहीं, बट मुझे तो लगता है भाई ये मेरी सेफ्टी के लिए है। तो चलो भाई दावा बोलते हैं गाइस, आ जाओ सभी के सभी लेट्स गो। अबे भाई साहब बोलता इतना है भाई पीछे खड़ा हो गया गाइस, ये आने जाने का रास्ता भाई साहब यहाँ पर मैं जाने का रास्ता तो निकाल दूंगा अपने लिए, ये तो गाइस बात पक्की है, इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं। ओ भाई साहब फोड़ने की जरूरत क्या है भाई, यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं। तो लेट्स गो गाइस चलते हैं यहाँ से जल्दी से अंदर एंड भाई साहब जल्दी से कब्जा करते हैं भाई अपने एरिया का। तो लेट्स गो गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ, ये लोग भाई कैसे आ रहे हो भाई, तुम लोग थोड़ा फास्ट आ जाओ। ए तब तक भाई मैं मर जाऊंगा जब तक ये यहाँ पर पहुंचेंगे। सर गाइज मैं एंटर कर चुका हूँ एंड अभी तक गाइज यहाँ पर कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही, आई थिंक गाइज मैं अंदर अब जा पाऊंगा बिल्कुल आराम से। अबे ओए इससे आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों भाई? बोला ना नहीं बढ़ सकता, हमारी जगह है ये, क्या करने जा रहे हैं अंदर? अंदर कुछ नहीं भाई देखने जा रहा था बस। क्यों मैं? ओए साइड हो जा, जाने दे फ्रैंकलिन सर को। अबे भाई क्या बोल रहे हो? अरे कौन से सर है ये तुम्हारे? देखने से तो कोई सर्वर नहीं लगता, ये सर फोड़ दूंगा इसका। अबे तूने फ्रैंकलिन सर को ऐसे कैसे बोला? अरे मुंह से बोला, रुक हाथ से भी करके दिखाता हूँ तेरी तो। अबे भाई साहब ओए इसको मारो। ओए होए 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 भाई साहब गाइस ये क्या चीज हो रही है भाई? ओपे अब बॉल फ्रैंकलिन सर के बारे में क्या बोलेगा? गाइस ये लोग तो भाई फुल सेफ्टी दे रहे हैं, बट गाइस आई थिंक भाई साहब अब दिक्कत की बात ये है कि भाई अब गाइस यहाँ पर हमने फाइट शुरू कर दी है। अबे गाइस यहाँ से एरिया भाई साहब यहाँ से चलते हैं। अरे सभी लोग ध्यान से सुनो, कुछ बंदे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ो सबको। ओ भाई साहब गाइस यहाँ पर तो ओए भाई साहब ये क्या फेंक रहा है भाई, ये कौन है?
ओ तेरी ऐसी तैसी गाइस, इनकी तो भाई साहब गाइस, ओ ध्यान से, ओ भाई गाइस मेरे दो बॉडीगार्ड मार दिए। अबे इसकी ऐसी तैसी कौन नहीं है, ये ग्रेनेड लॉन्चर तेरी, ओ भाई साहब गाइस एम भी नहीं लग रहा, ये ग्रेनेड लॉन्चर कौन फेंक रहा है, तेरी तो ये ले। अबे भाई साहब गाइस ये कहां से आ रहे हैं ये ग्रेनेड लॉन्चर, अबे तेरी तो ये ले भाई साहब गाइस मुझे मारेगा, एक सेकंड। अबे भाई साहब तुम लोग क्या भाई कर रहे हो, जल्दी आओ गाइस, दो तो मर गए भाई। गाइस कहा तो सही गया था कि भाई ये फाइट इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली, भाई मेरे से एम नहीं लग रहा, किसी के पास यहाँ पर ग्रेनेड लॉन्चर है भाई साहब। ओ नो भाई गाइस आई थिंक मुझे ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए इससे पहले पहले कि भाई साहब, ओ तेरी की गाइस। अबे तुम लोग लड़ो भाई उनसे जल्दी से, गाइस मैं ऊपर जाने की तैयारी करता हूँ भाई, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ वहाँ पर लगी हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई साहब, हम लोग चलते हैं गाइस, ये लोग संभालेंगे ना भाई उनको। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई साहब, गाइस ये लोग मेरी सेफ्टी तो भाई साहब कर रहे हैं बट इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे भाई। ये ग्रेनेड लॉन्चर वाले को पकड़ो सबसे पहले भाई साहब, कब का गाइस यहाँ पर ग्रेनेड फेंकते जा रहा है भाई, फेंकते जा रहा है, कौन है भाई ये, वो रहा गाइस यही लगता है मुझे, तू ही फेंक रहा है ग्रेनेड भाई साहब तेरी तो, ये ले अब फेंक ग्रेनेड गाइस। मुझे लगता है हमें ऊपर जाना चाहिए भाई, पूरी धरती हिला के रख दी इन्होंने, आई थिंक गाइस ऊपर जाना है भाई साहब, पैसे गाइस ऊपर पड़े हैं बट ऊपर जाने की सीढ़ी, अरे ये रही सीढ़ियां, लेट्स गो। अबे भाई साहब ये मेरा बॉडीगार्ड तो नहीं, अबे मेरे बॉडीगार्ड कहां गए भाई साहब, पता नहीं कहां गए, कोई बात नहीं गाइस मैं यहां पर कर दूंगा भाई साहब, यहां पर मुझे ऊपर जाना है बस, हाथ में गाइस गोली रखनी है तेरी तो, ये ले ओके भाई साहब ये तो गया। अबे यार गाइस कौन मार रहे भाई, इस ग्रेनेड वालों को मारो भाई सबसे पहले यार, वो गंद फैला रहे हैं गाइस ये, ओ भाई ये देखो वहां से आ रहा है गाइस ग्रेनेड, वहां से आ रहा है, पहले इसको पकड़ता हूँ भाई, ये कौन है ये ग्रेनेड वाला, रुको गाइस यहाँ से पकड़ता हूँ इसको, कहाँ है भाई कौन है भाई, अबे भाई ये रहा गाइस तेरी तो, अब फेंक, ओ भाई साहब गाइस एम भी नहीं लग रहा गाइस, इतना मुश्किल कर रखा, ये लो गाइस गया, अब नहीं फेंक पाया ग्रेनेड, ओके और कौन है भाई साहब, ऊपर से गोली आ रही है भाई, ओ माई गॉड गाइस कहाँ कहाँ चढ़ रखे हैं ये, अभी भी गाइस यहाँ पर ये ग्रेनेड खत्म नहीं हो रहे भाई, ये कौन फेंक रहा है गाइस, सबसे पहले गाइस इनसे निपट कर आता हूँ, तेरी की भाई सब बहुत मुश्किल है, सबसे पहले गाइस इस ग्रेनेड वालों से निपट कर आऊँ भाई, कौन है ये जो इतने ग्रेनेड फेंक रहा है भाई, पागलो जैसे तेरी हट भाई, और कहाँ है भाई तू, वहां से आ रहा है गाइस सामने से ग्रेनेड आ रहा है भाई साहब, ये गोलियां और कौन मार रहा है भाई, यहाँ पर गाइस ऊपर अभी भी कोई चढ़ा हुआ है शायद, एक सेकंड कौन है भाई ये ऊपर, भाई साहब दिख क्यों नहीं रहा गाइस, वो रहा गाइस एक बंदा वो चढ़ा हुआ है, तेरी तो कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं गाइस, एक बंदा, अबे भाई मेरे बॉडी गार्ड जिंदा है भाई, दो अरे बाकी गए, बाकी गए भाई दो रह गए गाइस, पांच छह आए थे, पांच आए थे मेरे हिसाब से गाइस, कहाँ गया वो, यहाँ पर गाइस एक बंदा ग्रेनेड फेंक रहा है भाई, सबसे पहले इसके साथ निपट लूं कि ये बंदा भाई पूरी धरती हिलाकर रख दिया इसने भाई, इसकी ग्रेनेड नहीं खत्म हो रहे भाई साहब, मर गया गाइस ये तो, अभी भी बट गाइस मुझे ग्रेनेड की आवाज आ रही है भाई, अभी भी कुछ लोग ग्रेनेड वाले हैं इनसे गाइस ऐसे नहीं, वो रहा भाई साहब गाइस इसकी तो, हाँ भाई ग्रेनेड फेंक फेंक तेरी तो, अब फेंक, ओ भाई साहब ध्यान से, ओ भाई पागल है क्या तेरी तो, ये ले भाई साहब फेंक ग्रेनेड फेंक फेंक फेंक, ओ भाई यहाँ पर ही फेंक दिया, अब गाइस मुझे मेरे हिसाब से ग्रेनेड वाला कोई नहीं रहता, सभी गाइस ग्रेनेड वाले मैंने फोड़ दिए हैं, अब गाइस ये तीन चार गोलियां कहाँ से आ रही है भाई साहब, मेरे बॉडीगार्ड कहाँ चले जाते हो, दो दो सेकंड के बाद चले नहीं जाते शायद गाइस, बिल्कुल ऊपर चले गए वो भाई साहब, गाइस ये कौन गोली मार रहा है गाइस, हमें कहाँ पर जाना था, हमें गाइस ऊपर जाना था मेरे हिसाब से ना, यहाँ पे ये देखो इसकी तो, ये ले भाई साहब ऐसे कैसे, ये देखो गाइस ये रहे पैसे, तो गाइस मुझे यहाँ पर जाना है भाई, लेट्स गो, आई थिंक गाइस यहाँ पर मैंने बहुत लोग मार दिए भाई और ये लोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहे भाई, बट गाइस मुझे मेरे पैसे चाहिए तो मैं लेट्स गो भाई जल्दी से ऊपर जाऊँगा डायरेक्ट, बिना किसी देरी के बिना किसी से डरे, जो मेरे भाई साहब पहले मैं यहीं पे आया था शायद गाइस, जो मेरे सामने है उसको फोड़ डालूंगा भाई, मैं तो नहीं देखने वाला गाइस मेरे सामने कौन आ रहा है भाई, फोड़ के रख दूंगा सीधा, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अबे भाई साहब तेज, ये ले गाइस ये दो दो भाई साहब यहाँ पर चढ़ रखे हैं, इन्होंने गंद फैला रखा है, चलो 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 लेट्स गो, नीचे है क्या कोई गाइस, शायद कोई नीचे रह गया, ओ भाई ऊपर है तेज तो, ये ले भाई सो जा भाई सो जा, ओके तो गाइस आई थिंक मैं, अबे फंस गया, अबे यार फंस गया गाइस मैं, ओ तेरी ऐसी तैसी, ओ भाई नहीं 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 नहीं, ओ तेरी ऐसी तैसी, ओ भाई साहब, भाई मैं क्या कर देता हूँ कभी कभी, अबे यार चलो गाइस अब नहीं भाई साहब यहाँ पर मैं रुकता, एंड यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो भाई मैं पहुंच चुका हूँ, अबे यार गाइस यहाँ पर तो सच में बहुत सारा पैसा है, ओ तेरी ऐसी तैसी भाई, कितना सारा पैसा रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, तो गाइस लेट्स गो ऐसा करते हैं भाई साहब यहाँ पर वो वाली वैन मेरे हिसाब से सही रहेगी, वो वाली वैन उठाते हैं गाइस, यहाँ पर ये पैसा लेकर रवाना होते हैं यहाँ से, अब यार शिनचैन को भाई साहब कॉल करना पड़ेगा। अरे और बताओ फ्रैंकली भैया कैसे हो, बेबी बच्चे कैसे हैं आजकल, तो कॉल ही नहीं करते, हमें तो याद ही नहीं करते, बड़े लोग हो गए हो। अबे शिनचैन भाई मजाक का टाइम थोड़ी है भाई, यहाँ पर गाइस इतना कुछ भाई साहब मैंने कर दिया और ये भाई ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे फ्रैंकली भैया आपको पता है मेरे सामने से चूहा जा रहा है। अबे तेरी ऐसी तैसी भाई, मैं
सीरियस हूँ, जल्द से गाड़ी लेकर इधर आ भाई। अरे चूहा नहीं खरगोश है फ्रैंकल भैया, खरगोश। शिनचैन सही में बता रहा हूँ, तेरा सर फोड़ दूंगा, जल्दी से गाड़ी लेकर यहाँ पर आ, हमको दूसरी वैन लेकर जानी है यहाँ पे, भाई साहब पैसा बहुत है, वैन से जाएगा। अरे ठीक है आ जा चोप यार, चले। अरे फ्रैंकल भैया चलो आता हूँ। अरे भाई, अरे चल चोप यार, काम हो चुका है। भाई साहब गंद तो बहुत डाला हुआ था इन्होंने, भाई साहब अब शांति हो गई। अरे देखना यार, फ्रैंकल भैया के साथ जो बॉडीगार्ड है ना, उनका कमाल है ये, सभी के सभी फ्रैंकल भैया का साथ दे रहे थे, तो अब तो यार देखना हमारे 6 के 6 लोग खड़े होंगे वहाँ पे। अरे फ्रैंकल भैया आ जाओ, नीचे खड़ा हूँ, कौन सी वैन लेकर जानी है यहाँ पर वैन। अरे वो रही, अरे आ जाओ फ्रैंकल भैया वैन के पास ही आ जाओ। भाई साहब जब तक गए थे लोग वो वाली वैन तक पहुंचेंगे, मैंने एक नई वैन ढूंढ ली। भाई साहब गाइस देखो कैसे पैसे टिका दिए भाई, भर दिया पूरी वैन यहाँ पर, आप सब लोग अंदर से भी देख सकते हो भाई, बाहर आ रहे हैं पैसे भाई, ये देखो सीट से बाहर आ रहे हैं। लेट्स गो गाइस, बंद करते हैं जल्दी से इसको, एंड गाइस चलते हैं जल्दी से। भाई साहब भारी बहुत होगी होगी, एक बात तो पक्की है, आई थिंक गाइस भाई साहब हमने बहुत बढ़िया काम किया भाई, पैसों को चोरी करने वाला भाई, मतलब मस्त काम था ये। लेट्स गो गाइस अब चलते हैं, एंड लेट्स गो। कहाँ खड़े हैं दोनों भाई साहब, वो देखो वहाँ पर गाड़ी लेकर खड़े हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या होता है, ये पीछे से कौन सी वैन लेकर आ गए, अरे बाकी सब कहाँ हैं? ये बाकी सब से तेरा मतलब क्या है बे? अरे बाकी सब मतलब बाकी जो 6-6 बॉडीगार्ड थे वो कहाँ गए? गाइस बताओ भाई शिनचैन को कहाँ गए। भाई साहब क्या हुआ बे, कहाँ गए वो? गाइस मुझे तो घंटा कुछ नहीं पता भाई, आपने गाइस यहाँ पर, मैं तो लड़ाई में बिजी था, आपने वीडियो देखी होगी भाई, बताओ भाई कहाँ गए सभी के सभी भाई, 4-5 बॉडीगार्ड भाई, 5 बॉडीगार्ड थे मेरे, 5 के 5 नहीं मिल रहे। अरे फ्रैंकल भैया वो सबके सब गए भाई, ये मुझे नहीं पता गाइस, ये तो आपको ही कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी ध्यान नहीं है अब की गाइस उनके साथ क्या हुआ। आई होप वो ठीक होंगे। भाई सब ठीक होंगे कल वे, उनकी तो आवाज तक नहीं आ रही भाई, सब टपक लिए सबके सब। अबे यार ऐसे नहीं है, आई थिंक गाइस वो लड़ाई जीतने के बाद कुछ खाने पीने गए होंगे। अरे ऐसे वैसे नहीं हुआ यार, गाइस बताओ यार कमेंट सेक्शन में कहा क्या हुआ उनका। भाई सब गाइस यार ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था भाई, बट गाइस फिर भी हमने पैसे वैसे चोरी कर लिए, मतलब भाई मिशन हमको दे दिया जाए तो हम गाइस ऐसे मिशन खाली नहीं छोड़ते। बट लेट्स गो गाइस, अब भी तो गाइस ये गाड़ी भी चोरी करनी है, तो गाइस मतलब अभी और मजा आने वाला है। ऐसा करते हैं गाइज, इस वाली वैन को घर पे छोड़ आता हूँ मैं, एंड या फिर गाइज हम सीधा, हाँ ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस वैन को घर छोड़कर आते हैं एंड अपनी गाड़ी चोरी करते हैं। अरे यार आप गाड़ी वाली लोकेशन में चलो, वैन तो मैं लेकर चला जाऊंगा, आप और चोप यार गाड़ी चोरी कर आओ। पक्की बात है? अरे बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल। ये भी ठीक है गाइज, हमारा टाइम बच जाएगा। अबे भाई साहब मैं दूसरी लेन में गाड़ी क्यों डाल रहा हूँ, आई थिंक गाइज यहाँ पर जाना था, तो गाइज यहाँ पर सही है यार। शिनचैन तू ऐसा कर, नहीं भाई एक सेकंड गाइज, अगर ये पैसे लेकर भाग गया तो? अरे मैं पैसे लेकर क्यों भागूंगा यार, इतने सारे पैसे लेकर जाऊंगा कहाँ पे। भाई चलो ऐसे तो गाइज ये भागता नहीं, मुझे पता है आना तो इसको घर ही है, तो चल भाई ठीक है तू पैसे लेकर आ शिनचैन, मैं जब तक गाइज यहाँ पर गाड़ी चोरी करूंगा चोप के साथ। मतलब भाई साहब तू शिनचैन की जान बचाकर मेरी जान संकट में डाल रहा है? अबे ऐसा कुछ नहीं है यार भाई, संकट पे डाल रहा है, कुछ नहीं होने वाला। लेट्स गो गाइज अब जल्दी से चलते हैं गाइज, यहाँ पर किसी की भी जान संकट में डाले बिना भाई मैं गाइज जल्दी से चलता हूँ गाड़ी चोरी करने, जो कि गाइज यहाँ पर गाड़ी की लोकेशन हमें मिल चुकी है, मतलब ड्राइवर ने पहले दे दी थी, तो वहां पर चलते हैं गाइज। शिनचैन ले जाएगा अपनी गाड़ी को घर, एंड शाम तक बंकर भी बन जाएगा, तो गाइज मजा आने वाला है, तो लेट्स गो। ओके तो भाई साहब शिनचैन तू ऐसा कर, तू यहाँ से भाई साहब घर को चला जा, एंड मैं और चोप आते हैं फिर। अरे चलो मैं गाड़ी लेकर जाऊँ क्या? हाँ भाई साहब तेरे को रास्ता तो पता है ना? अरे बिल्कुल टनाटन पता है, तो ठीक है भाई साहब ध्यान से जाइयो। अरे फ्रैंकल भैया फिक्र मत करो, मैं आराम से ले जाऊंगा, आप जल्दी से गाड़ी लेकर आओ। भाई साहब जा रहा है गाइस ये, चल भाई साहब चोप फिर। भाई साहब यहाँ से गाड़ी लेनी है? हाँ गाइज यहाँ पर आगे की तरफ भाई साहब यहाँ पर एक गैराज है, एंड गैराज के पास भाई साहब यहाँ पर ड्राइवर ने कहा है कि भाई हमें मिल जाएगी गाड़ी, लेट्स गो गाइज। यहाँ पर 2-3 भाई साहब यहाँ पर गार्ड्स खड़े हैं, जिनको गाइज मैं ऐसे ही पटक दूंगा। हेलो अंकल। ओ भाई साहब गाइज लेट्स गो, कितना आसान था भाई। भाई साहब कल है तू ये सब कब से करने लग गया? अबे यार गाइज भाई साहब ये लोग कहाँ से आ गए तेरी तो, भाई साहब भाग जहाँ से, चल भाई। ओके तो गाइज यहाँ पर, अबे भाई तू क्या छिप रहा है? भाई साहब मैं कवर ले रहा हूँ। क्या कवर है भाई तेरा? लेट्स गो गाइस गैराज के अंदर जाकर देखते हैं भाई क्या है, गाड़ी है या फिर नहीं। ओके तो गाइस ये भाई साहब एक सुपर कार यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो खड़ी है भाई, क्या कार है गाइस, रुक रुक इसको बाहर लेकर चलते हैं, लेट्स गो भाई साहब। ओ हो क्या प्रीमियम फील आ रही है भाई इस गाड़ी में, रुको रुको इसको बाहर लेकर चलते हैं सबसे पहले। तो यार गाइस ये है भाई साहब गाड़ी, ओ हो भाई गाइस ये गाड़ी बेचनी थोड़ी है बे भाई साहब, कले तो इसको बेचने की सोच रहा है गाइस। यार मैंने सोचा तो यही था कि गाड़ी चोरी कर बेच देंगे, बट गाइस ये मुझे बेचने वाली चीज नहीं लग रही। भाई साहब तू पागल है क्या, इसको बेचेगा बे, सुपर कार है ये गाइस। यार सही है यार ये सुपर कार है भाई, इसको बेचने का कोई फायदा नहीं। आई थिंक गाइस इसको हम अपने साथ ही रख लेंगे भाई सेफ में। लेट्स गो गाइस,
अब तो भाई साहब यहाँ पर हमें कोई नहीं रोक सकता, लेट्स गो गाइस। चलो पैसा तो हमारे पास आ ही गया, मन करेगा बाद में बेच देंगे, बट अभी के लिए इसको मैं रखता हूँ। आप लोग बताना यार मैंने सही करा या फिर नहीं इसको रखकर। मेरे हिसाब से भाई बेचना इसको बनता नहीं भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी क्यों बेचूंगा मैं भाई, मैं अपने पास रखूंगा। हो गया तो गाइस यहाँ पर चलो अब जल्दी से घर को चलते हैं भाई, सिंचन भी पैसे लेकर पहुंच गया होगा एंड गाइस हमारा घर थोड़ा सा दूर भी है, तो लेट्स गो जल्दी से चलते हैं गाइस। आपको मिलते हैं घर जाकर एंड देखते हैं क्या बनता है फिर। भाई साहब ये कार मुझे गाइस कितनी पसंद आई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। भाई साहब ये तो भाई कतई जहर है। हाँ गाइस ये कार सच में बहुत बढ़िया, और भाई सिंचन हमसे पहले पहुंचा हुआ है। भाई साहब चलो, अरे आ जाओ फ्रैंकलिन भैया नीचे। अबे भाई साहब इस गाड़ी को सबसे पहले भाई इसका ये बंद करा भाई, चुप जल्दी आ। भाई साहब इसका ये बंद करना पड़ेगा गाइस, लेट्स गो बंद हो रहा है, ये बंद हो गया। भाई साहब बड़ा तरीका वो है तेरा। भाई कैसा है हिम्मत पूछ, लेट्स गो। भाई सिंचन कहाँ है? अरे फ्रैंकलिन भैया सारे पैसे निकाल लिए। ओ भाई यार यहाँ से गए सारे पैसे इसने निकाल भी लिए। भाई वाह यार, अबे क्या है भाई, पता कैसा बनाया गया जग्गू मिस्त्री ने। लेट्स गो देखते हैं भाई साहब कैसा है वो। अबे ये तो मस्त है भाई साहब, कले चल फिर अंदर। हाँ गाइस चलते हैं, लेट्स गो देखते हैं भाई कैसा है। ओके तो गाइस हम आ चुके हैं बंकर के अंदर एंड भाई, अबे यार गाइस ये जग्गू मिस्त्री ने क्या खोदा है। अरे फ्रैंकलिन भैया आप ये देखो मैंने पैसे कैसे यार रखे हैं यहाँ पे। अबे ये तेरा रखने का तरीका क्या है बे? भाई साहब कले वैसे देखा जाए तो ये हम भर सकते हैं पैसे से। बिल्कुल यार गाइस देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारे लिए एरिया बहुत बढ़िया है, इसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। ये तो बहुत खाली है भाई, ये देखो यहाँ से इसका दरवाजा है, उसके बाद ये देखो यहाँ से ओपन है भाई ये सारा। ये गाइस हमारे लिए बिल्कुल सीक्रेट है एंड गाइस इसके अंदर भाई यहाँ पर कोई हमसे भी ना पूछे नहीं जा पाएगा, बिकॉज चाबी लगा देंगे भाई तगड़े वाली। तो गाइस हाँ बढ़िया लगा यार गाइस मेरे को एंड गाइस, पैसे भी हमने चोरी कर लिए। बताओ गाइस हम नेक्स्ट भाई साहब यहाँ पर क्या करें इसके अंदर। आई थिंक भाई यहाँ पर और पैसा लेकर आना चाहिए भाई साहब, और चोरियां करेंगे। बिल्कुल यार गाइस तो बताओ कमेंट सेक्शन में क्या किया जाए। अरे बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल यार गाइस समझ गए ना सिंचन ने क्या बोला है, तो चलो गाइस यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं करा। बाकी हम मिलते हैं गाइस आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड वंदे मातरम। बे भाई साहब टाटा भाई।